नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की सबसे बड़ी मंडी कृषि उपज मंडी में, जहां हमारे साथ में यहां के व्यापारी महेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज मंडी के अंदर सरसों की क्या भाव है और कितनी आवक है। सबसे पहले तो गुप्ता जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। आज सरसों की कितनी आवक है और क्या भाव? पहले तो धन्यवाद आपको, आपने जानकारी लेने के लिए आए उपस्थित हुए हो। आज लगभग 7,000 से 8,000 मंडी में सरसों की आमद है और भाव 5,050 से 5,100 के बीच में है। अभी सरसों में बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं चल रही है, सिर्फ बाजार रुके हुए हैं। और रुकने का एक मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ शादियाँ का दौर कम हो गया है। दूसरा क्या है कि गर्मी बहुत है, गर्मी में मस्टर्ड ऑयल कम खाया जाता है। और तीसरा मुख्य कारण है कि हमारे इंटरनेशनल बायर अडवाणी अडानी और धारा, जो एक बहुत बड़ा कंजम्पशन हब है, वो हमारे यहाँ अभी बाय बंद की हुई है। इससे छोटी मिले डिस्टर्ब हो गई है, वो बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका माल नहीं बिकता है। जब ये बड़े बायर नहीं लेंगे, छोटे बायर उनका माल नहीं ले पाते हैं। ये समस्या बहुत लंबी दूरी की नहीं है, ये 15 दिन और चलती है, 20 दिन और चलती है, या चुनाव तक चलती है, चुनाव एजेंट तक चलती है, इसके बाद ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। बड़े वायरों ने क्यों बंद कर दिया उन्होंने? बड़े वायरों में मेन मुख्य कारण तो हुआ है कि गवर्नमेंट कुछ नीतियां रही है। एक तो क्या है कि कई देशों ने हमारे मस्टर्ड ऑयल को अखाद्य तेल घोषित कर दिया, जिसमें अभी कन्फर्म रिपोर्ट तो नहीं है। अगर भैया अमेरिका की कन्फर्म रिपोर्ट है कि अमेरिका ने तो कर दिया, बाकी कई देशों की ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि वो अखाद्य तेल इसको घोषित कर रहे हैं, सरसों के तेल को खाद्य तेल घोषित नहीं कर रहा। जबकि हमारे हिंदुस्तान में सरसों का तेल या मुस्लिम देशों में सरसों के तेल को बहुत अच्छा तेल माना जाता है और जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत शानदार है, लेकिन पश्चिमी कुछ देशों ने इसको अखाद्य मान लिया। कि अब क्यों माना है उनका साइंटिफिक रीजन तो वही बता पाएंगे, बाकी उसका इम्पैक्ट 15 दिन रहता है या 20 दिन रहता है या 1 महीने रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो अभी आप मीलर भी हैं और व्यापारी भी हैं, ऐसे में जो मील है वो बंद होने की कगार पे आ गई, तो क्या कारण रहा? बंद होने की कगार पे माल नहीं बिकता, जो हम प्रोडक्शन बनाते हैं वो प्रोडक्शन नहीं बिक रहा। प्रोडक्शन नहीं बिकेगा तो मील माल कहाँ रखेंगे? माल नहीं रखेंगे तो मील बंद करनी पड़ेगी, या ये कम दामों में छोटे मोटे व्यापारियों को देनी पड़ेगी, उससे हमारा नुकसान लगता है, इसलिए हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। तो अगर अभी अपन विदेशी तेलों की बात की जाए तो उसकी भी क्या है कीमत कम है विदेशी तेलों की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो विदेशी तेल ये तो हर साल होता है, जहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा वहाँ कीमतें कम हो जाती है, लेकिन ये हमारी सरकार की नीतियाँ होती हैं जो इस पर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा रहे, लोकल किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए उसको स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। क्यों हम विदेशी तेल पर निर्भर रहे हैं, जब हमारे यहाँ के किसानों अच्छे उत्पादन दे रहे हैं, हमारे सेहत के लिए वो चीज़ अच्छी है, तो हम सरकार से, मैं तो यही निवेदन करूँगा कि वो ऐसे का नियम बनाए कि किसान का को प्रोत्साहन मिले, उनको अच्छी अपनी उपज का अच्छा पैसा मिले और लोगों के सेहत से खिलवाड़ ना हो। तो अगर अभी अपन सरसों की बात की जाए तो पूरे देश भर में सरसों की कितनी आवक अपन मंडी में मानते हैं और कितनी? देखो पूरे देश भर में आवक लगभग 1,35,000 टन सरसों पैदा हुई है इस साल, तो लगभग 10,000 से 15,000 टन पर डे चल रही है आवक। कुछ हरियाणा सरकार भी सरसों ले रही है और आवक तो काफ़ी ठीक है, आवक से कोई बड़ा फर्क नहीं है, सरसों की बम्पर पैदावार है। अब तो सरकार को ही कड़ा रूप लेके ड्यूटियाँ लगा के इनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि मस्टर्ड ऑयल को हम स्वदेशी तेल घोषित करके उनको प्रोत्साहन करें। अभी जैसा कि मस्टर्ड ऑयल जो है उसको क्या है कि लोग अच्छा खाने के लिए लेते हैं, मीलों से भी एक अच्छी क्वालिटी जो है तेलों की जा रही है, मार्केट में बिक रही है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि आज मीले बंद होने के कगार पर है, तो इसको क्या मानेंगे? मीले बंद होने के कगार पे दूसरे कारण से है ना, मीले बंद होने के कगार पे प्रोडक्शन ज्यादा है,
और इंटरनेशनल बायर कम है। फिर क्या है, हमारे लोकल जो बायरिंग बाइंग है वो कंजम्पशन पाम पे और सोया रिफाइंड पे डिफरेंट होगा। तो अभी अगर अपन सरसों की बात की है तो 10 दिन पहले या 5 दिन पहले क्या भाव थे और आज भाव में सेम कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये 15 दिनों और रुकते हैं या 20 दिनों और रुकते हैं या 1 महीने लग जाता है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ जाएंगे पहले। तो कुछ तेजी भी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल है, सरसों में लगभग 300 से 500 रुपए की तेजी कभी भी आ सकती है। ये हमारे साथ में महेंद्र गुप्ता जी व्यापारी थे और तेल मिलर भी है। इन्होंने हमको बताया कि यहाँ सरसों की जो आवक है काफी है, लेकिन तेल मिलों में जब माल तैयार हो जाता है, जब अन्य जगह बिकेगा ही नहीं, तो फिर तेल मिलें बंद होने की कगार पर तो होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इनका कहना यह है कि बम्फर आवक तो हो रही है मंडी के अंदर, लेकिन भाव जो है वो भाव अभी कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन आगामी दिनों में सरसों के अंदर जो है बढ़ोतरी भाव में देखी जाएगी। नितिन शर्मा, अलवर।